निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब चारों दोषियों की फांसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। पवन की दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया की मां ने एक बार फिर डेथ वारंट जारी करने को लेकर निचली अदालत का रुख करने की तैयारी की है। इस तरीके से लॉ के लैकुनाज का बेनिफिट उठाया गया और ये जो दो तीन बार डेथ वारंट पोस्टपोन किया गया, अब उस पर स्टॉप लगेगा और ये जो डेट होगी ये फाइनल डेट होगी। इससे पहले सोमवार को दिल्ली सरकार ने निर्भया पवन गुप्ता की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही सोमवार को निर्भया केस में दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पवन ने अपनी अर्जी में कहा था कि वो घटना के वक्त नाबालिग था। आपको बताएं कि निर्भया केस में तीन बार दोषियों की फांसी टल चुकी है। 3 मार्च को निर्भया केस में दोषियों की फांसी टल गई थी। चारों दोषियों को मंगलवार सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बैंकों के विलय को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 बड़े सरकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी गई है। इस विलय के बाद देश में 4 बड़े बैंक बन जाएंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से 30 अगस्त 2019 को 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई थी। नए बैंक 1 अप्रैल 2020 से अस्तित्व में आएंगे। In 2017, you had 27 banks. 2017 में 27 बैंक थे, अब सिर्फ 12 बैंक होंगे। ये घोषणा हमने अगस्त 2019 में की थी, जिसमें 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा। इस विलय के बाद बनने वाला बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय होगा। विलय के बाद यह देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इसके साथ ही यूनियन बैंक के साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय होगा, जबकि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मिलकर एक बैंक बन जाएंगी। विलय के बाद ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, नई चेकबुक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू किए जा सकते हैं। हालांकि फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कोई बदलाव नहीं होगा। जिन ब्याज दरों पर व्हीकल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन लिए गए हैं, उनमें भी बदलाव नहीं होगा। अब इसको लेकर सरकार इसी सप्ताह नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्रिप्टो करेंसी पर लगे बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से लगाए गए बैन को हटाने का आदेश सुनाया। आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग से जुड़ी वित्तीय सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज जो ओपन कोर्ट में कहा गया, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2018 के आरबीआई के सर्कुलर को खारिज कर दिया है। ये सर्कुलर क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेनदेन और व्यापार पर प्रतिबंध लगाता था। दरअसल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI ने 2018 के आरबीआई के उस सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी में व्यवसाय न करने के लिए निर्देश जारी किए थे। IAMAI के सदस्य एक दूसरे के बीच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करते हैं। आरबीआई ने बैंकों के जरिए क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाली कंपनियों के खातों पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण ऐसी कंपनियां बंद हो गईं और इससे क्रिप्टो करेंसी के व्यापार पर भी बुरा असर पड़ा। आपको बताएं कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। ये एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। ये करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में भी नहीं होती। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी है। इंटरनेट पर इस वर्चुअल करेंसी की शुरुआत जनवरी 2009 में बिटकॉइन के नाम से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।